एक ऐसा स्टेडियम जो बनाया गया था इंटरनेशनल मैच के लिए, लेकिन क्या हुआ इसके साथ जो यहाँ पर कोई मैच नहीं हुआ अभी तक। तो चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ इस स्टेडियम के बारे में और ये स्टेडियम कहाँ पर है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो अभी हम जिस स्टेडियम की बात कर रहे हैं वो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इटावा शहर में, जो कि इटावा से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है सैफई, तो वहां पर ये स्टेडियम बनाया गया है। और ये स्टेडियम उत्तर प्रदेश की जो पूर्व सरकार थी सपा सरकार, उनके कार्यकाल में इसका जो शुरुआत किया गया था ये स्टेडियम का, तो उस समय इनकी सरकार थी तो उस समय ये स्टेडियम बनाया जा रहा था। और उसके बाद ही 2014 के बाद से सरकार इनकी चली गई थी और फिर हमारी आ गई योगी सरकार, तो उसमें इस वजह से इसमें थोड़ी रुकावट आ चुकी। तो मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैं भी वहाँ पर चला गया दौड़ा दौड़ा, क्योंकि मुझे भी देखना था ये स्टेडियम। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा इस स्टेडियम का तो बहुत ही ख़राब हो रही थी, क्योंकि बहुत ही दिनों से ये बंद पड़ा है। और मैंने सोचा कि यहाँ पर अंदर जाए, लेकिन लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया, मतलब जो गार्ड थे वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया, और काफ़ी हालत ख़राब थी स्टेडियम की। तो आई होप कि इसमें कभी मैच हो, तो उम्मीद करते हैं जब इनकी सरकार आएगी तो हो सकता है यहाँ पर मैच हो। तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा स्टेडियम फिलहाल में तो, और मैं मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए। तो हाँ, जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आप भी देखिए स्टेडियम, आप जब इटावा सैफी जाए तो ज़रूर स्टेडियम देखिए।